लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वह हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा समय मिलता है शांति से बैठने के लिए, तो हमारे मन में फिर से तमाम विचार आते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम शांति पूर्वक बैठे हैं कि नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें एक जगह शांति से बैठने ही नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में अपने मन के विचारों को साफ करके अपने दिमाग को किस प्रकार शांत रखा जाए, इसी की बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु और शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन न फिर भी वो बहुत सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था या फिर मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो ये कभी पूरी तरह से खुलकर खिल नहीं पाएगा, अपने सुंदर स्वरूप में कभी वापस नहीं आएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी बिखर नहीं पाएगा। इसी तरह इंसान अगर अपनी अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की चिंता करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूत में जो उसके साथ बुरी घटना घटित हुई है, वो ये सोच सोच के अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की चिंता हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करनी चाहिए। इससे आपके बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही, साथ ही आप आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वो अक्सर आनंद में क्यों होते हैं, यह रहस्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद सब चीजों की व्यर्थता के बारे में पता चलता है। ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ नहीं पाया, जो कुछ वह किया, उससे जीवन में मैंने भले ही सुख सुविधा हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। मैं अपने मन को जान नहीं पाया, और जब इंसान को ऐसा लगता है तब वो महसूस करता है जो कुछ उसने कमाया है उसका जीवन में कौड़ियों का भाव था, उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यही व्यर्थ किया। और वहीं पर जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, देखो कभी तो ये पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लड़ा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इसके आराम करते होंगे, इसके फलों को कहते होंगे,
इस समय ये पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा। इसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि वो किसी को छांव तक नहीं दे पाएगा। उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रहेंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपनी जीवन की भाग दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वो सबसे आगे निकलने की कोशिश करता है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु की है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि उसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। गुरु ने कहा, एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ जाता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु की है। इसीलिए भी जीवन में सुख सुविधा हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरु से, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए। गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को भूल जाता है। उस पर वह कभी ध्यान ही नहीं देता, और इसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते जाते हैं। उसमें जवानी रह ही नहीं जाती, और जब उनमें जवानी ही नहीं रहती तो उनमें वो नयापन और ताजगी नहीं रहती, जिसकी वजह से इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना घटती है जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर ऐसा गहरा असर होता है, वो जीवन भर उस घटना को भूल ही नहीं पाता, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ बना लेती है, और भविष्य में जब भी वो काम करता है तो ये घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से ये घटनाएं बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमण हो जाती है, वो सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया था कि जंगल में चलते चलते उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और उसे पाता भी नहीं चला। गुरु ने वो कांटा बाहर निकलते हुए कहा कि ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा, इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो। गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था, या फिर खुद भी तुम जिम्मेवार मान सकते हो कि तुम बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा, या फिर तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो कि उन्होंने रास्ते में कांटे बिछा के रखे। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसको मैं खुद को ही जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, लेकिन मैं अपना काम होशपूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। गुरु ने शाबाशी से उसके पीठ को थपथपाते हुए कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दे, और उसके लिए सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो, उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठा कर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावना को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, तुम्हारा मन किसी बुरे घटना पर रोने को हो रहा है तो जोर जोर से चिल्ला के रो लेना, अपने आप को रोको मत,
उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर तुम्हारा मन किसी दूसरी घटना पर खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं पूरी गति के साथ बाहर आ जाती है तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दोस्ती बात, जब तुम्हारे साथ कोई घटना होती है तो तुम्हारे साथ कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम दिल की बात रख सकते हो। वो चाहे अच्छी बात हो या चाहे बुरी बात हो, और वो इंसान तुम्हारी सारी बात सुनाने के बाद कोई छवि पैदा न करे। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। देखते ही देखते गुरु और शिष्य ये चर्चा करते हुए जंगल को पार कर चुके थे और अपनी आश्रम में आ चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।